23 मई को लोकसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर वोटों की गिनती पर पूरा प्रोसेस क्या है? आइए आज हम वोटों की गिनती से जुड़े पूरे प्रोसेस को बिंदुवार तरीके से समझते हैं। पहला, वोटों की गिनती कौन करता है? वोटों की गिनती चुनाव अधिकारी, मतगणना कर्मी, प्रत्याशी और सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में की जाती है। चुनाव अधिकारी जब पूरी तरह आश्वस्त हो जाते हैं कि वोटों की गिनती सफलतापूर्वक हो गई, उसके बाद ही वो चुनाव नतीजों की घोषणा करते हैं। दूसरा, मतगणना केंद्र के अंदर क्या होता है? चुनाव की तारीख की घोषणा होने से कम एक हफ्ते पहले मतगणना की तारीख और जगह तय कर ली जाती है। योजना के मुताबिक वहां मेजें लगाई जाती हैं। हर मेज पर ईवीएम का सील हटाने के लिए कागज का चाकू होता है। रिजल्ट की घोषणा लाउडस्पीकर से की जाती है। ब्लैक बोर्ड पर मीडिया की सूचना के लिए गिनती के ट्रेंड से संबंधी जानकारी लिखी जाती है। पर्यवेक्षकों के अलावा किसी को मोबाइल इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होती। तीसरा, वोटों की गिनती कैसे की जाती है? पोस्टल बैलेट की गिनती पहले हो जाती है, उसके 30 मिनट बाद ईवीएम में वोटों की गिनती शुरू होती है। ईवीएम का पावर ऑन करके रिजल्ट बटन की सील हटाई जाती है। रिजल्ट बटन को दबाते ही हर कैंडिडेट को मिले वोटों की संख्या डिस्प्ले हो जाती है। एक राउंड की गिनती होने के बाद ईवीएम को फिर से सील कर दिया जाता है। पहले चरण की गिनती पूरी होने पर चुनाव अधिकारी 2 मिनट का इंतजार करता है, ताकि किसी को गलती की संभावना लगे तो वो आपत्ति दर्ज करा सके। वोटों की गिनती का मिलान वीवीपैट से किया जाता है और फिर उसको चुनाव अधिकारी के पास भेजा जाता है। अगर ईवीएम और वीवीपैट के वोटों में अंतर हो तो, वैसे अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जिसमें ईवीएम और वीवीपैट के वोटों का मिलान नहीं हो पाया हो। अगर दोनों के वोटों में फर्क पाया जाता है तो वीवीपैट की दोबारा गिनती होगी। फिर भी फर्क पाए जाने पर वीवीपैट की संख्या को ही अंतिम माना जाएगा। तो इसी तरह से ईवीएम और वीवीपैट से वोटों की गिनती की जाती है, जिसमें गलती की 0% संभावना होती है। खबर अपडेट की रिपोर्ट।